और मेरा ना गला बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था, मैंने सॉल्ट दिया है बॉइलिंग वाटर गरारे करने के। सो आई विल सी यू इन द बेड। सो आज हमारा वहां पे जाने के लिए प्लान है, इसी ये वुड जैसा मुझे अच्छा लगता है, उस पर मैक्सिको लिखा है और इस बेचारे गर्मी है बर्फा च रहने वाले पोलर बियर को पता नहीं चल रहा गर्मी को कैसे बर्दाश्त करूं। सो आज मैंने क्या किया है कि ब्रेकफास्ट के लिए कॉफ़ी एंड हिम्मत के लिए जूस एंड ये चॉकलेट क्रोइसेंट हिम्मत के लिए एंड एक मेरे लिए। एंड मेरा ना गला बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था, मैंने सॉल्ट दिया है बॉइलिंग वाटर गरारे करने के लिए गार्गल्स करने के लिए। कॉफ़ी पीने से पहले नींबू पानी पीने के लिए लेमन स्लाइसेस रूम में मंगा लिए ताकि मैं जल्दी से ये खा के तैयार हो के क्योंकि आज हमारी रिजर्वेशन है ब्रेकफास्ट एंड टाइम शेयर की, जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे जाके दूंगी। लाइक 10 मिनट्स रेडी हूँ। वेकी वेकी मानो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्वीटी, लुक एट यू, योर नीनी इन द शर्ट। रिमेंबर लास्ट नाइट यू सो टायर्ड यू कुडंट चेंज योर क्लोथ्स। मुन्नी चलो आप जाना है पूल से जाना है आज। मैं पानी ले लेती हूँ गरारे करने के लिए, गार्गल्स करने के लिए, हम पंजाबी में गरारे कहते हैं अगर आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा हो। ये ना बहुत अच्छी तरह चीज़ें पैक करके देते हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दैट। फिलहाल हेमंत नहा रहा है, हस्बैंड गए हैं जिम एंड हमें 9 बजे जाना है नीचे ब्रेकफास्ट के लिए, रिजर्वेशन है मुझे लगा। एंड मैं मेरे दोस्तों की वेट कर रही हूँ, देन मैं कपड़े चेंज करके जाने वाली हूँ। सो आज हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं इस एरिया में। ये जो एरिया है ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो टाइम शेयर करते हैं। I got this free dessert and some water. Guys, I'm making eggs. Yum yum. What are you putting in your egg? Salt and pepper. That's it? Only pepper. Yeah. ओके सो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा टाइम शेयर मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए, क्योंकि अगर आप करते हैं ना तो आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो उन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं मसाज के लिए या फेशियल्स के लिए। सो आज हम ये डिफरेंट बफे में आए हैं जहाँ पे आप खाओ एंड उनके साथ बातचीत करो, वो आपको कन्विंस करेंगे कि उनके मेम्बर बन जाओ एंड देन आप चूज़ कर सकते हैं कि नहीं या येस, एंड देन वो पॉइंट्स देंगे, उसे मैं यूज़ करूँगी मसाज के लिए। सो ये जो बफे एरिया है ये वही स्पेशल लोगों के लिए जो इनकी बातें सुनने के लिए आते हैं। तो हम खाएंगे, उसकी बातें सुनेंगे एंड ये ब्रेकफास्ट एरिया ही है। अच्छा है फूड यहाँ पे, मैंने मेरे लिए ऑमलेट ऑर्डर किया। ओके दोस्तों, ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अभी भी हमारा जो टाइम शेयर है फिनिश नहीं हुआ है, पर हमारे दोस्तों ने प्लान बना लिया है मेंबरशिप लेने का। सो बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा तो प्लान है नहीं मेंबरशिप लेने का फिलहाल, सो मैंने सोचा कि मैं बाहर बैठ के कॉफ़ी का मज़ा लेती हूँ। सो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है उसने सोया मिल्क डाल के, थोड़ी डार्क है एंड यहाँ पे सामने बीच है एंड मेरे सामने पूल है एंड पूल में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आज ना बहुत गर्मी भी नहीं है, कल इतनी गर्मी से ना स्किन मेरी बर्न ही होगी, हिम्मत की बेचारी तो इतना बर्न होगी कि आईज़ उसकी रेड होगी और लाइक बहुत ज़्यादा धूप थी कल, पर आज बेटर है, आज आप पूल में समय स्पेंड कर सकते हैं। पर ये जो बिल्डिंग है ना रिजॉर्ट की बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसमें आई थिंक 3 या 4 डिफरेंट बड़े बड़े रिजॉर्ट, एंड हम आज बिल्कुल बिगनिंग वाले में जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का पूल सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो मेरे लास्ट कैंकून व्लॉग्स में आपने मोस्ट प्रॉब्ली देखा होगा, आई थिंक रेनी डे इन कैंकून उसी पूल के अराउंड थे हम लोग। सो आज हमारा वहाँ पे जाने के लिए
हम मैं लादा पूल में रोज जाएंगे तो बाल ऐसी रहने दो। आई होप मेरे बाल अच्छे लग रहे होंगे। एक तो छोटे हैं तो ऐसे बालों को मैनेज करना अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छा नहीं ईजी नहीं है, और अगली बात है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ऐसे बालों में, और ना मैं गुत कर सकती हूँ ना इकट्ठे कर सकती हूँ, बहुत मुश्किल। अब बताना मुझे अच्छे लग रहे हैं या नहीं, प्लीज़ मेरा दिल रख ले। मेरे दोस्त कह रही कि अच्छे लग रहे हैं। आई एम डन विद कॉफ़ी, देन मैं अंदर जाऊँगी। अंदर इन्नी चेंज हो रही है ना, सारे मार्केटिंग वाले अपनी अपनी सेलर करने में पड़े हैं कि साड़ी सेल हो जाए साड़ी सेल हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर कैसा माहौल है। सो ये सारे लोग सेल्स कर रहे हैं, ये कोर्ट वाले बंदे ना कि मेम्बरशिप ले रहे हैं। सो देयर मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त बहुत समझदारी के साथ समझ रहे हैं कि की खरीदे, और देयर इज ड्रिंकिंग। बच्चों को पिक किया था, बच्चे प्ले रूम में समय स्पेंड कर रहे थे किड्स एरिया में, एंड नाउ दे आर ईटिंग पॉपकॉर्न। एंड हस्बैंड बुक कर रहे हैं मेरे लिए मसाज एंड अपने लिए, बट ये रिजॉर्ट इतना ज़्यादा बिजी है कि हमें नेक्स्ट वेनसडे मिल रहा है दिन, और तब तो हम चले गए होंगे। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट कि मुझे मसाज। ओके, सो पहले मैं बहुत ही रेगुलर थी स्विमिंग करने के लिए, तो अच्छा था, और स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जॉइंट पेन के लिए या जिसको भी ना लाइक कोई हड्डियों से रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि उसमें आप थकते नहीं हो ज़्यादा। पर बहुत समय से मेरे शोल्डर्स में बहुत पेन रहता है, और कल मैंने इतना ज़्यादा स्विम कर लिया कि रात मेरी इतनी बुरी पेन हुई ना मेरे शोल्डर्स में, एंड आई हैड टू टेक अ पेन किलर एट वर्क। सो नाउ हस्बैंड बुक कर रहे हैं मसाज, आए हो मुझे मसाज मिल जाए अच्छी डीप टिश्यू, क्योंकि ये इतनी अच्छी मसाज करते हैं ना, आपको हैप्पी कर देते हैं। सो अगर मिल जाएगी तो बहुत मज़ा आएगा मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ही बुरी तरह ज़रूरत है। तो मेरी आर्म्स में बहुत टेंशन है, एंड नेक में भी, एंड नेक के वो पीछे वाले एरिया में भी। सो या हस्बैंड ये काम कर रहे हैं, और हमारे दोस्त अभी भी वो मार्केटिंग प्लेस से अवेलेबल नहीं हुए हैं। ओके, शी सेड फ्यू मिनट्स, बट हमें यकीन नहीं है बिकॉज लास्ट टाइम शी सेड एंड टुक 30 मिनट्स। सो वी आर बोर बैडली एंड वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू। वी वॉन्ट टू गो टू स्टेक हाउस फॉर लंच, देन वी वॉन्ट टू गो टू पूल, वी हैव मेनी थिंग्स टू डू, बट वी आर वेस्टिंग आर टाइम हियर डूइंग नथिंग। Himmat's eating Mannat's popcorn. Because she said she doesn't want it. I knew what you were testing on me. बेचारे बच्चे हम छोड़ के चले गए, हमने भी मिला था कि एक घंटा स्पेंड किया, बच्चे बुरी तरह बोर हो गए, क्योंकि जो गेमिंग एरिया है बहुत सारी गेम्स तो कम ही नहीं कर रही वहाँ पे, बेचारों के पास करने के लिए कुछ नहीं था, तड़प गए बेचारे। For 2 hours. Yeah, I didn't know like gonna take that long. I told you guys like 3 times. Okay, मन्नत ने हमें फ़ोन किया पर हमारा फ़ोन तो काम ही नहीं करा, और उसके पास इंटरनेट नहीं था कि व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट काम कर रहा है पर हमारे कनेक्शन नहीं काम कर रहे ना। सो बेचारे पता नहीं कितने फ़ोन करते रहे। सो यहाँ हम वापस आ गए मुक्ति गल है, एंड अब हम दोस्तों की वेट करेंगे, फिर खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, फिर स्विमिंग पूल में जाके एनर्जी वेस्ट करेंगे, देन फिर हम डिनर करेंगे कोई अच्छा। सो हस्बैंड बनवा रहे हैं अपने लिए फ्रेश चिकन टाको, ये बहुत ही मज़ेदार बना के देते हैं मक्की जैसी रोटी पे, एंड इस समय बफे खाली है। आज हमने सारा दिन उसी ने, हमारे दोस्तों ने लंच किया स्टेक हाउस से, मैं वहाँ से कुछ भी खाती नहीं हूँ तो मैंने कुछ भी खाया नहीं है, पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें खाई जिसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं है। उसके बाद मैं को एक बफे में देखने के लिए गई कि मैं कुछ खा सकती हूँ, क्योंकि स्विम करने से पहले मैं थोड़ा पेट भरना चाहती थी, क्योंकि दोपहर हो चुकी है ऑलरेडी, सारा दिन हमारा उसमें स्पेंड हो गया। हस्बैंड वो स्टेक हाउस से खा के आके यहाँ पे भी अपने लिए एक टाको बनवा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आज सुशी डे था मुझे लग रहा है कि, सो आज हिम्मत का सर्फिंग टाइम है, हिम्मत ने ये किया बहुत अच्छा लगा उसे। सो आई थिंक हिम्मत डेड लिटिल बेटर देन डैडी नो। है वो पूल एरिया जहाँ पे आज हम हमारी शाम बिताने वाले हैं। मुझे लगता है कि 7 बजे ये बंद कर देते हैं ना, कि 7 बजे कहते हैं कि चलो चलो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। सो 7 बजे तक हम पूल में रहेंगे।
मैंने आपको शायद बताया है कि यहाँ पे 3 डिफरेंट रिजॉर्ट्स हैं। सो आज हम सबसे बिगिनिंग वाली में आए हैं, मुझे लगता है जिसमें हम लास्ट टाइम स्टे किया था हमने सनराइजेस का ना। मुझे लग रहा है कि आज हम डिनर इसी एरिया में कर लेंगे, यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं। एंड अब इस बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट खुल गया है इंडियन, क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे ना आई थिंक 10-12 दिन के लिए, तो इंडियन फूड खाने के लिए तरस गए थे। आपने देखा होगा कि टुल्लू में एक जगह पर हमें मिला था। तो यहाँ आगरा एक रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पे जाके हम खाएंगे। कल हमने रिजर्वेशन करवाई है क्योंकि वो फुली बुक्ड है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस आते हैं और इंडियंस को इंडियन फूड की क्रेविंग होती है ना बाहर आके। सो या आज तो नहीं मिलेगा, कल मोस्ट प्रॉब्ली हम वापस जाएंगे। सो नाउ वी आर रिलैक्सिंग एंड आज मैंने सोचा है कि मैं पूल में स्विमिंग नहीं करूँगी, आना मुँह नहीं मैं खराब करूँगी, बाल ऑलरेडी हो चुके हैं। सो आज इज माई रिलैक्सिंग, कल हमारा मसाज डे है, सो वी गोना हैव मसाज। एंड उसके अगले दिन हम लोग जा रहे हैं किसी डॉल्फिन शो में, मोस्ट प्रॉब्ली यू आर सी समथिंग। हेलो, मैंने सोचा था कि मैं रिलैक्स करूंगी, बट लेटर फिर मैं थोड़ा जहा स्विम किया मैंने 15 minutes। I should let you change the mind, I guess. I know you try every day to feel good. So, जब हमारा पूल से डन हुआ तो वहाँ पे सेटअप हो रहा था, हमने सोचा ये कौन सा सेटअप कर रहे हैं, पर वहाँ पे बाजार लग रहा था और वो कह रहे हैं कि आज ये लास्ट डे है बाजार का। तो बाजार में थी मैक्सिको की बनी हुई काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक ज्वेलरी थी, मार्बल से बनी हुई चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग एंड क्यूट स्टफ था, पर हमारे पास कैश नहीं है। सो वैसे ही मैंने एक्सप्लोर किया मार्केट को कि देखते हैं ना कि कोई सुविनियर मिल जाए लेके जाने के लिए। प्यारे से टर्टल है जैसे मार्बल की, और मुझे ये वाला अच्छा लगा है क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बट जो हमारा नया घर है वो ब्लैक थीम का है, ब्लैक एंड वाइट। ओके, सो हमने ब्लैक ले लिया है, उसके हिसाब से ये वुड जैसा मुझे अच्छा लगता है, उस पर मैक्सिको लिखा है और इस पर ना ये नाम भी ग्रेव करके देते हैं। सो या एंड ही इज पेइंग थ्रू एप्पल, बिकॉज हमारे पास कैश नहीं है, लेकिन यहाँ हम रूम से। वैसे ये भी ना इंडिया वांगू बार्गेन चंगा कर लेंगे, कर लेते हैं, क्योंकि पहले मुझे लग रहा है ये आई थिंक 40 का बोल रहा था, फिर 35 क्या, फिर 45 का, 25 के बीच 15 दे रहे हैं। लिख दो हिम्मत 2022 हिम्मत का नाम लिखा लेते हैं 2022, सो इट्स गोना बी अ मेमोरी। अदर कोरिच एम 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 एच आई एच आई एम एम ए टी हम रिजॉर्ट के पहले हिस्से में हैं। सो हमारे
हमारे रिजॉर्ट तक जाने के लिए 10-15 मिनट लगेंगे, तो हमने सोचा कि आज हम डिनर यहीं पे करते हैं. तो हमने इटालियन को रिजर्व कर लिया एंड मैंने कपड़े चेंज नहीं किए. वैसे ड्रेस कोड होता है कि आपको अच्छा ड्रेस पहन के आना पड़ता है, पर मुझे हमें उस उन्होंने बिठा लिया. सो इटालियन में मैंने मेरा जो भी मुझे मेन्यू में अच्छा लगा मैंने ऑर्डर कर दिया. पर जब ये फूड आया ना, फूड मेन्यू बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. सीजर सैलड नॉट बैड था, पर ये जो पास्ता था इसमें कुछ भी नहीं है. सो इटालियन का फूड हमें बहुत अच्छा नहीं लगा, तो हमने प्लान बना लिया है इंडियन खाने का. जैसे मैंने अर्लियर बताया था, इसका नाम है आगरा. ये कुछ इस तरह का दिख रहा है. हस्बैंड ने रिजर्व करवाया था 9:30 का, अभी 9:30 हुए हैं. सो हमें मिलेगा टेबल. एक्साइटेड है पति? आई डोंट नो. मैंने मेक्सिको में आके मटन रोगन जोश ऑर्डर कर दिया. आई होप कि जैसे इन मेरे भाइयों की अपीयरेंस है अच्छी दिख रही है, वैसे डिशेस भी अच्छी होगी. लेट्स सी, वी विल फाइंड आउट वेरी सून. आगरा का पागल खाना सुना होगा आपने. ओके, सो इंडियन में हमने ऑर्डर किया है अमृतसरी फिश, चिकन टिक्का एंड पनीर टिक्का. तो उन्होंने क्वांटिटी ऐसी थोड़ी थोड़ी देते हैं ना, तो हमने 3 डिफरेंट चीज़ें कर ली. अच्छा है कि फूड वेस्ट नहीं होता. सो बहुत मज़ेदार है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक इट यू कैन ऑर्डर मोर. सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट. सो मैं ट्राई करने वाली हूँ कि कैसा है, लेट्स सी. ओके, सो मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आ गई हूँ यहाँ. पनीर बड़ा स्वाद था. तो हमने ऑर्डर किया बैंगन भरता, साग पनीर, दाल मखनी. तो क्वांटिटी इतनी है. ये है वेजी पुलाव एंड ऑल्सो लैम करी हस्बैंड ने की है. ओके, सो हम हमारे रूम में आ चुके हैं एंड वो ना बहुत ही प्यारा रूम क्लीन करते हैं हमारा. क्लीन करने के बाद यहाँ पे प्यारी सी चॉकलेट रखे जाते हैं, सरप्राइज एवरी डे, समथिंग नाइस एंड डिफरेंट. और वैसे तो ये रोलिंग बेड हिम्मत के लिए लिया, वो सोता नहीं है हिम्मत अपना की उसका जो वो टॉय वहाँ पर होता है, तो बहुत ही क्यूट तरीके से यहाँ पे रख देते हैं एवरी डे. हिम्मत बड़ा हैरान हो रहा था कि वाओ दैट्स सो नाइस. एंड दिस इज माय पति, उजड़ी हुई हालत, पता नहीं क्यों पसीनों पसीनी हो गए. बेचारे गर्मी है, बर्फा च रहने वाले पोलर बियर को पता नहीं चल रहा कि गर्मी को कैसे बर्दाश्त करो. गर्म बांतर बन के बैठा, गर्मी पोल चुके हैं बहुत.